नमस्कार, मैं आज आपको अपने साथ लेके चलता हूँ लवासा। मुंबई टू लवासा कितना डिस्टेंस है, क्या बजट में हम वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे हम क्या अकोमोडेशन करेंगे और उसमें टोटल कॉस्टिंग कितनी आएगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अभी हमने स्टार्ट किया है अपना जर्नी मुंबई से। अभी हम पुणे एक्सप्रेस वे पे हैं और लवासा की दूरी यहाँ से अभी कुछ 160 किलोमीटर है। हमारा सफ़र बहुत ही अच्छा चल रहा है और अब हम यहाँ पे फूड मॉल पे रुकेंगे लोनावाला में, वहाँ कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद डायरेक्ट लवासा। इसमें यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था है, फूड वे, फूड मॉल भी कहते हैं इसको। तो जैसे ही टोल हम लोग क्रॉस करते हैं, टोल क्रॉस करने के बाद ये फूड मॉल आएगा, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, जैसे मैकडोनल्ड्स, लोकल फूड महाराष्ट्र का, कैलाश पर्वत का, हाजी जूस बाइट, सबवे, मतलब काफ़ी कुछ जो एकदम ब्रांड है यहाँ का वो सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पे खाने पीने के लिए। बहुत बढ़िया सुविधा है यहाँ पे। तो जैसे ही आप टोल क्रॉस करेंगे तो टोल से 200-300 मीटर पे लेफ्ट में ही पेट्रोल पंप है, उसके बगल में ही फूड भी। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर रुकिए और एक ब्रेक भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे ऑन द वे, और यहाँ पे खाने पीने की सब सुविधा आपको मिलेगी। ठीक है, तो अभी वापस लवासा में मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ लवासा में मिलेंगे, लेकिन बीच बीच में कुछ बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ जा रही है जो इस वीडियो में मुझे कैच करना पड़ रहा है और आप लोग को दिखाना पड़ रहा है। थैंक यू। ये हमने फूड मॉल में बहुत ही अच्छा महाराष्ट्र अपना महाराष्ट्र का मिसल पाव ऑर्डर किया है, जिसे देख के तो बहुत ही लाजवाब टेस्टी लग रहा है। खाने के बाद मालूम पड़ेगा कैसा है ये मिसल पाव और दही वड़ा, एकदम फ्रेश फूड मॉल में। ये हमारा ब्रेकफास्ट है और लंच हम अभी बाद में करेंगे। ये हमारे मित्र खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया इनको टेस्ट लगा। ये है लवासा का झील, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, जितने ऊंचे पर्वत उतने नीचे झील, जितने ऊंचे पर्वत उतने नीचे झील, और एक ये बहुत ही सुंदर सूर्यास्त होते हुए और उसकी चमचमाती किरणें पानी में मोतियों की तरह चमकती हुई, और एक बहुत बढ़िया व्यू लवासा का और एक बहुत ही अनुभवी व्यू, बहुत ही सुंदर, अविस्मरणीय। अगर आप यहाँ पे आने चाहे तो आप आइए। तो हम लवासा पहुँच चुके हैं और हमने लवासा में बहुत ही बढ़िया और शानदार रूम बुक किया है जो आप देख सकते हैं। ये है जो हमने रूम बुक किया हुआ है लवासा में। यहाँ पे होटल्स की बहुत कमी है तो यहाँ पे लोगों ने अपार्टमेंट ही खरीद कर रखा हुआ है जो रेंट पे देते हैं। और ये देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया यहाँ पे किचन है। और ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है और ये वॉशरूम है, एकदम साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन। और ये हॉल है, यहाँ पे हॉल है और यहाँ पे सामान रखने के लिए सब है। ये इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही रीजनेबल रेट में, बहुत ही रीजनेबल रेट में और एकदम एंजॉय करने के लायक, एकदम बहुत ही शानदार होटल जो प्राइस में हमने लिया हुआ है। वो प्राइस में आप मतलब मुंबई या पुणे में कहीं लेंगे आप तो आपको ये मेरे मित्र हैं जो अभी फ्रेश होके आए हुए हैं और
होटल में अभी नहा के एकदम बढ़िया फ्रेश हुए हैं और इस बेड पे एकदम रिलैक्स होने के लिए रेडी हैं। ये बहुत ही बढ़िया, मतलब मैंने बहुत सारे होटल बुक किए हैं, मुंबई, पुणे, महाबलेश्वर, लोनावाला, मतलब काफ़ी जगहों पे, मनाली, काजा, स्पीटी, मतलब बहुत सारे जगहों पे बुक किया है मैंने होटल। बट ये जो बेड है बहुत ही मुझे पसंद आया, और ये जो रूम है, जो इसका स्पेसिंग है, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। और आपको मैं एक चीज़ ऐसा दिखाता हूँ जो आप देखोगे तो आप एकदम खुश हो जाओगे, एकदम आप मतलब गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका दिल। ये मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पे, और ये व्यू जो व्यू है मुझे बहुत ही पसंद आया। ये देखिए, ये एकदम मतलब ये बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और ये हमारे मित्र है चंद्रजीत यादव, और इन्होंने ही ये होटल बुक किया हुआ है, और इन्होंने ही पूरा रेफरेंस निकाला हुआ है, और बहुत बढ़िया इन्होंने होटल बुक किया हुआ है उसके रेफरेंस के। और ये देखिए, ये एकदम जो हमारा बालकनी है, और उसके सामने ये लवासा में लेक है, ये एकदम जबरदस्त व्यू। और यहाँ पे हमें रात को बैठ के बढ़िया हम यहाँ पे पार्टी वगैरह कर सकते हैं, और ये सब मेरे दोस्त लोग रेडी हैं पार्टी करने के लिए। एकदम व्यू देख के, और ये चंद्रजीत जी जो हैं एकदम मतलब लेक से इतना मोहित हो गए हैं कि लेक से अपना नज़र ही नहीं हटा रहे हैं। और ये लवासा लेक का में तो बहुत ही सजावट भी है। वंडरफुल, पीसफुल और अमेजिंग, ऑसम, मतलब मैं जितना इसकी तारीफ करूं उतना कम है। ये झिल मिलाती झील आंखों को भा गई है। और इतना बढ़िया देखिए इसका, ये सूर्यास्त होते हुए सूर्य की किरणें सीधा हमारे रूम में आती हुई, और अब सूर्य डूबते हुए और चंद्र उगते हुए, और ये सारा नज़ारा हम इसी रूम में बैठे बैठे लेंगे। सूर्य भगवान डूब रहे हैं, चंद्र भगवान आएंगे, और ये देखिए, ये बहुत ही अमेजिंग, मतलब मैंने बहुत सारी जगहों पे गया हुआ हूँ, लेकिन लवासा का व्यू जो है ये बहुत ही अमेजिंग है। देखिए ठीक है, यहाँ होटल से लेके बेटा होटल के बाहर तक का व्यू बहुत ही सुंदर है। तो ये हमारा होटल है, मैं बाकी कल आपको, अभी हम यहाँ पे रात को ठहरेंगे, और कल मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे साइट सीइंग जो हम करेंगे, यहाँ पे जो हम और प्लेसेस देखेंगे, प्लेसेस के नाम और साइट सीइंग मैं आपको बताऊँगा। ये हमारी बालकनी से सुबह सुबह का व्यू है, दिसंबर का महीना है, और ये बालकनी से लवासा लेक का व्यू। हैं 10 बजे हैं, और बहुत ही ब्राइट, एकदम बढ़िया नज़ारा। यहाँ पे कुछ लोग वॉक करते हुए, रेसिडेंशियल एरिया है, रेसिडेंशियल समझो या होटल या अकोमोडेशन, बात एक ही है। यहाँ पे लोग रेसिडेंट ही रेंट पे देते हैं, हम जैसे टूरिस्ट के लिए आपके लिए व्यूज़ हैं। और ये मैं दिखाता हूँ आपको ट्रेन, जो यहाँ पे लोकल साइट सीइंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको इंटरनली लवासा घूमना है तो आप इस ट्रेन का टिकट बुक करके घूम सकते हैं। देखिए लवासा में सुबह ब्रेकफास्ट, यहाँ पे एक स्टॉल है होटल साई के बगल में, और अंकल ने बहुत ही बढ़िया समोसा बनाए हुए हैं। ये हम लोग के मुंबई वाले हैं तो समोसा के साथ पाव खाते हैं, आदत पड़ चुकी है, तो ये समोसा पाव अंकल बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ, टेस्टी समोसा।
ये है लवासा का मार्केट। अगर आप सिटी में कहीं भी रह रहे हैं तो यहाँ से आप जो भी आपको चाहिए सामान, ईच एंड एवरी थिंग यू कैन बाई इट फ्रॉम हियर। सो सी वी आर एंटरिंग इन द मार्केट। छोटा सा ये देखो, ये आ गया, ये देखो आ गया, देखो ये पानी गिर रहा है, ये आगे ये मुफ्त चाह फ्री चाय बंद हो गया फ्री। ये देखो यही है, देखो डैम से। अच्छा, ये छोटा सा पानी। हाँ छोटा ही छोड़ेंगे ना, आते चलो ना। तो उन लोगों क्या जाएगा, पानी पूरा छोड़ देंगे। तो देखो छोटा सा, जितनी उन लोग अलाउ करते हैं उतना ही छोड़ते हैं पानी। ये पानी गांव वाले यूज करेंगे। नमस्कार, मेरा लवासा का ट्रिप कंप्लीट हो चुका है। हम 4 फ्रेंड्स लोग गए थे मुंबई टू लवासा, अपनी खुद की कार में गए थे। तो मैं आपको इसका कॉस्टिंग बताता हूँ। हमारा 6,200 रुपये अकोमोडेशन का गया था, रूम्स की वीडियो मैंने आपको शेयर किए हुए हैं। और हमारा 2,000 रुपीज़ फ्यूल का गया था कार का, और इसके बाद ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये सब मिला के हमारे टोटल 4 पर्सन के कॉस्टिंग हुई थी 11,600 रुपीज़ इंक्लूसिव ऑल, पार्टी का छोड़ के इंक्लूसिव ऑल, और 11,600 रुपये। अगर हम उसको पर पर्सन में डिवाइड करते हैं तो 2,900 रुपये पर हेड आया था। और अगर आप ये हमने अपनी खुद की कार लेके गए थे तो वहाँ पे बस वगैरह का बहुत कम ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो अगर आप कार हायर करके जाते हैं किसी कंपनी से तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 18,000 रुपीज़ तक आपका एक्सपेंस होएगा। इसमें जो अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन हमने थोड़ा अच्छा लिया हुआ था 6,200 रुपीज़ का, पर वहाँ पे बहुत सारे अकोमोडेशन ऐसे हैं जो 4% के लिए हमने और भी इंक्वायरी की थी, जो 2,300 में था, 4,000 में था, 3,000 में था। तो अगर आप अकोमोडेशन, वो भी अच्छे अकोमोडेशन थे, ऐसा नहीं था कि अच्छा खराब था, अच्छे अकोमोडेशन थे, वो तो आपकी चॉइस है अकोमोडेशन की। तो अगर आप अकोमोडेशन दूसरे थोड़ा लो बजट करते हैं तो आपका इसमें 8,000 में ही आपका ट्रिप कम्प्लीट हो जाएगा, और विद कार जाएंगे तो 14,000 में आपका ट्रिप कम्प्लीट हो जाएगा। और जो हमने अकोमोडेशन लिया था वो वाला अगर आप को लेना है तो आपका 11,600 रुपीज़ फॉर 4% एंड 18,000 रुपीज़ विद कार। इफ़ यू आर हायरिंग अ कार तो 18,000 रुपीज़ है। जो हमने अकोमोडेशन लिया था उनके ओनर का नंबर हमारे पास है, केयर टेकर का नंबर हमारे पास है, और 6,200 रुपीज़ उसका कॉस्ट है। अगर कोई बुक करना चाहता है तो वो कॉन्टेक्ट कर सकता है हायर के प्रूशन ट्रेवल्स को, जो आपको अकोमोडेशन भी करवा के देंगे। और आपको अगर आपकी खुद की कार है तो ओके, अगर कार नहीं है तो वो आपको कार भी रिजनेबल रेट में 2 डेज का आना जाना साइट सीन सब आपको करके देंगे। और इफ़ यू वांट दे विल गिव यू द एंटायर पैकेज आल्सो। सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक आवर ट्रिप, आवर डिस्क्रिप्शन, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।